बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ आमशहरी आरिफ अमीन पट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून के मुताबिक करार देते हुए दारदरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। इसमें कुछ लोगों की राय है कि जिस चीज को भी सजा हुई उन्हें माफ़ी मिल जाएगी, कुछ का है कि इस पर दोबारा समाअत होगी। हम सादा लफ्जों में इसकी तशरीह करें कि जो लाइव दिखाया गया था, जस्टिस फायज ईसा साहब ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाया था। सादा अल्फाजों में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ने जो फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अकेले 184-3 का सो वोटो नहीं ले सकते, चीफ जस्टिस ने अपने अख्तियार 3 रुकनी कमेटी को हवाले कर दिए हैं। अब सो वोटो का अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 काबिले एहतराम सीनियर मोस्ट चीफ जज साहबान के पास होगा, अकेले चीफ जस्टिस साहब सो वोटो नहीं लेंगे। अब तमाम बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बजाय 3 रुकनी कमेटी बनाने की और की बनाएगी, और अगर चीफ जस्टिस बेंच से मुतफिक नहीं होंगे तो भी अक्सरियत राय से तस्लीम कर लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी एक बेंच में चीफ जस्टिस साहब एक राय रखते हैं और 2 जूनियर जज जो उनसे हैं वो एक रखते हैं, तो 2 की तरफ जो फैसला होगा वही खत्मी होगा। पहले माजी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार था, इसमें कई रोज समाअत लाइव होती रही और बाज़ खासी जगह नोक झोंक भी दिखाई दी गई। अब नाज़रीन, तमाम बेंच सुप्रीम कोर्ट की बजाय 3 नौकरी बनाएंगे, बजाय 3 नौकरी कमेटी बनाएगी, और अगर चीफ जस्टिस मुतफिक ना हुए तो गुजारिश की है फिर 2-1 से फैसला खत्मी होगा। कमेटी की तश्कील और चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतल्लिक फैसला 10-5 एक तरफ जज साहबान थे और 5 एक तरफ से के तनासुब से आया है। 10 का ख्याल था कि ये इख्तियार तकसीम हो जाने और 5 ने इससे इख्तलाफ किया है। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन दोनों ने इन फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी और जस्टिस साजिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया है। उनके ख्याल में ये दरख्वास्त मुस्तरद नहीं होनी चाहिए थी, ताहम अक्सरियत से ये फैसला 10 की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के हक का देने का था, यानी कि जिस चीज के खिलाफ हुई क्या वो फैसला कर सकता है, और पुराने मुकदमात में जिन्हें सजाएं हुई उसका फैसला कर सकता है। तो फुल कोर्ट के 9 जजेस ने, फुल कोर्ट के 15 में से 9 जजेस ने अपील का हक देने के हक में फैसला दिया है। अपील के हक पर जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी इख्तलाफ किया, जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी इख्तलाफ किया, और यहां तनासुब 9 के मुकाबले में 6 जज से बाद जज का हो गया। पहले 5-10 का था, अब यहां 9-6 का हो गया। इस कानून की शिक में, अब अगर इस कानून की शिक में माजी से अपील का हक देने से मुतल्लिक थी कि जिसको 10 साल पहले भी सजा हुई, इज लाइक मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इज लाइक मोहतरम जगीर तराजी साहब और जितने भी सो वोटों के तहत हुए हैं, इस शिक की 8 जज ने मुहालफत की, 15 में से 8 जजेज ने मुहालफत की कि पुराने केस जो 5 साल 4 साल 10 साल पुराने हैं उन्हें ये अपील का हक नहीं दिया जाता। इस शिक की 8 जज ने मुहालफत की और यूं ये शिक कलंदम करार दे दी गई, ये शिकायतनाम करार दे दी गई है। माजी से अपील का हक मिलने का फायदा, माजी से अगर पुरानी होती 5 साल पहले 10 साल पहले तो नवाज शरीफ को जो सुप्रीम कोर्ट था उनको सीधा बेनिफिट मिलना था। अब माजी से अपील हक मिलने का फायदा नवाज शरीफ और जगीर तीन को होना था,
जो बज़ाहिर बादियुल नज़र में इस फैसले में उन्हें यह हक नहीं मिला अभी तक, ताहम आइनी माहरीन इसे मुख्तलिफ राय करते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल करार दे चुकी है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट माजी में ताहयात नाअहल करार दे चुकी है, अब यह हक उन्हें अभी तक इस फैसले के मुताबिक नहीं मिला। अगरचे ये मुख्तसर फैसला है, अगरचे पीडीएम हुकूमत की इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, पीडीएम हुकूमत जो मादी में 14 जमातों में मुश्तमल था, जिसे अप्रैल 2022 में लाया गया और 23 तक चलाया गया, अगस्त तक हुकूमत एक्ट में तरमीम करके एक चोर रास्ता निकाल सकती है, ताहम इसका फैसला भी खत्मी सुप्रीम कोर्ट के जज सेमान ही करेंगे। लेकिन आईनी माहरीन के मुताबिक नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने का मामला रिटायरिंग अफसर और हाई कोर्ट से होता हुआ बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही इस पर खत्मी फैसला देगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तान भर में मुहिम चलाई जा रही है, मुख्तलिफ बैनर और इश्तहारात लगाए जा रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के लिए अपना ही जहाज बुक करवा लिया है, यानी कि उन्होंने चार्टर्ड प्लेन बुक करा लिया है, जिसमें वो चाहेंगे वो साहबान उनके साथ आएंगे। ये दुबई से 21 अक्टूबर को जहाज आएगा, जबकि इस फैसले पर आईनी माहरीन ने कहा इससे कुछ फैसले अच्छे हैं कुछ में तसादम है, ताहम नवाज शरीफ को मिठाई खाने से पहले तफसीली फैसला आने का इंतज़ार करना चाहिए। नादर एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ सियासी जमातों की कशीदगी में रोज बरोज अजाफा होता चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पहले तरीके इंसाफ की लीडरशिप वाशगाफ लफ्जों में कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे कायद तरीके इंसाफ के चेयरमैन को अडयाला जेल में बंद किया हुआ है, लेकिन सारी की सारी रियायतें और सहूलतें मुस्लिम लीग नून को है। अब तरीके इंसाफ की हम जुबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो गई और वो अब भी बाजिद है कि अगर नवे दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो आइन से अनहराफ होकर पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान की फैमिली की तरफ से दावा किया गया है, साबिक वजीर आजम अडयाला जेल में जो बंद है साइफर केस में जेर समात अडयाला किया, जो पहले से जिस्मानी अखलाकी और कुरान पाक बार बार पढ़ने से रूहानी तौर पर ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, उनके इरादे में ज़्यादा पुख्तगी आ गई है, उनकी सेहत ज़्यादा मजबूत हो गई है, उनका कहना है कि उन्हें पहली दफ़ा कुरान पाक तफसीर से पढ़ने का बार बार मौका मिला है, पहले सारी उम्र वो मसरूफ रहे, जेल उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकी। तीन बातें उनकी फैमिली जराए क्या इमरान खान फिजिकल तौर पर सियासी तौर पर और हर लिहाज से मजबूत हुए हैं और वो पुर उम्मीद हैं कि तरीके इंसाफ के रास्ते रोकने की जितनी भी रुकावटें की खड़ी की जाएगी पाकिस्तान की आवाम उसको दूर कर देगी। और गैर जानिबदार हलकों का वाशगाफ कहना है कि मुल्क में माशी इस्तकाम लाने के लिए सियासी इस्तकाम साफ शफाफ इलेक्शन वक्त पर, जिसमें तमाम सियासी जमातों के तमाम लीडरों को आईन और कानून के मुताबिक हिस्सा देने से ही सियासी इस्तकाम आएगा और उसके बाद माशी तरक्की की तरफ मुल्क गामजन होगा। नन कहा जा रहा है कि साइफर केस में इमरान खान के वकला का कहना है बिमा एतजाज ऐसा सलमान अकरम राजा के ये केस बनता ही नहीं, अगर ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में उन्हें सजा देने की कोशिश की तो हाई कोर्ट से ये केस पहली ही पेशी में ख़त्म हो जाएगा और तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अपने पार्टी लीडरों को अपनी फैमिली को पैगाम दिया कि आवाम को कहे वो हौसले बुलंद रखे, उनका लीडर जेल में पहले से ज़्यादा जिस्मानी और सियासी तौर पर ज़्यादा मजबूत हो चुका है और हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है।
और वो जैसे भी हालात हों पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जदोजहद को जारी रखेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।